वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आप कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे. सो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक. सबसे पहले तो और सबसे मज़े की बात ये है कि आज की वीडियो में मेरे साथ है मेरे हस्बैंड जुहेब, ठीक है. और हम जिस चीज़ के बारे में आपको बताने लगे हैं वो ये है कि हमने एक दूसरे में क्या देखा, वट वी लाइक इन ईच अदर. हम मैंने जुहेब के प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट किया और उन्होंने मुझे क्यों एक्सेप्ट किया. क्या ये एक रैंडम डिसीजन था या हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारे माइंड में एक दूसरे को देख के फुलफिल हुए. इफ़ यू वांट टू सी एंड स्टे ट्यून्ड, सबसे पहले काम करें, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इन द एंड और इसको शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके, यस. तो जुहेब, मुझे ये बताएं कि आप पहले बताएंगे या मैं स्टार्ट करूँ? यू गो फर्स्ट. ओके, पहली चीज़ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इस नेगेटिव ट्रेंड से तंग आ चुकी थी जो फैमिलीज आती हैं और सिर्फ चाय के कप के ऊपर डिसाइड होता है कि आपने दूसरे से शादी करनी है या नहीं करनी. कितना ये वियर्ड और ऑकवर्ड लगता है, इसका हमारे रिलीजन में भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. जब हम अपनी डिग्री खुद चूज़ करते हैं, जब अपने मेजर लाइफ के डिसीजंस लेते हैं और जब आपके बल्कि सारे रिलीजन ही आई थिंक ये अलाउ करते हैं कि आप एक दूसरे की मेंटल कंपैटिबिलिटी ज़रूर देखें, तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी. मेरे प्रपोजल्स ऐसे ही आ रहे थे, जहाँ पे आते थे मैं चाय पेश करती थी, उसके बाद मेरी मम्मी मुझसे पूछती थी कि हाँ या तो पिक्चर देख लो या लड़का आएगा. और लड़का यूजुअली ऐसा होता था कि उसने सिर्फ आपको फिज़िकली मुझे देखना होता था और कोई निगोशिएशन कोई इस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता था. जो चीज़ मुझे जुहेब में क्लिक की थी वो ये थी कि ही ट्राइड टू अप्रोच मी. ऑल दो स्टार्टिंग में सिस्टर से मेरी उन्होंने बात की और उनको थोड़ी मिसकंसेप्शन होगी कि ये मेरा नंबर है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, इन्होंने मुझसे डिस्कशन करने का इनिशिएटिव लिया. दैट वाज वेरी वंडरस फॉर मी और ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि एटलीस्ट एक बंदा मुझसे ब्लाइंड फोल्डेड होकर शादी नहीं करने लगा, दूसरी चीज़ों को देख के नहीं करने लगा. ऑल दो फर्स्ट मीटिंग पे जुहेब आए थे और उनकी मदर और फैमिली आई थी और मुझे वो फिज़िकल स्पार्क नज़र आ गया था, एंड दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, योर फिज़िकल कंपैटिबिलिटी. लेकिन बात यहाँ पे एंड नहीं होती, यहाँ से भी आगे काम स्टार्ट होना चाहिए कि आप लोग एक दूसरे को इतने समझदार हो के मैच्योर हो के एक दूसरे को मेंटली जानने की कोशिश करें कि आपका लाइफ पर्सपेक्टिव, आपके गोल्स क्या हैं. एंड ही डिड दिस, सो दैट वॉज अ फर्स्ट टेक फॉर मी. ओके जुहेब, तो मैंने अब अपनी टर्न पूरी कर ली है, अब आप पहला पॉइंट मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा मेरे में. मैंने तो ऐसे ही यस कह दिया लिटरली. नहीं, मैं बता कर रहा हूँ. अच्छा, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी, जब मैं फ्रिया से मिलने गया तो बहुत सारे लोग चूँकि हमारे सोसाइटी में फाइनेंशियल टर्म्स के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, ये देखते हैं कि आपके एसेट्स कितने हैं. लेकिन फ्रिया ने मेरे से कोई ऐसा सवाल नहीं किया लाइक एज अ सिटीज़न मेरे पास कौन सी जॉब है और मेरे पास गाड़ी कौन सी है या मेरा घर कैसा है. फ्रिया के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि मैं एज अ पर्सन कैसा हूँ, मेरी कोर वैल्यूज़ क्या हैं. तो ये मेरे लिए एक बड़ा टिक था कि जिस बेसिस पे मैं ये डिसाइड कर सकता था कि यस आई कैन मैरी दिस पर्सन. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न थी यस कहने के लिए. ओके, अच्छा आप दूसरी चीज़ बताएं जिसकी बेसिस पे आपने यस कहा है. अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि जब फाइनली हमारा मीटअप डिसाइड हो गया और जब मैं इनसे मिली तो मुझे एक बहुत ही हम्बल सी और एक मॉडेस्ट पर्सनैलिटी मेरे सामने आई. मॉडेस्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मिल रहे हो लेकिन आपकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि हाउ यू आर मीटिंग द अदर पर्सन. और वो चीज़ मुझे जुहेब में फुलफिल नज़र आई. और जितनी भी हमने लाइफ गोल्स और पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए और इवन मैंने इनकी जॉब के बारे में डिटेल्स भी डिस्कस की, इन्होंने कुछ भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड नहीं बताया. ऑल दो ही इज़ अ वेरी कैपेबल पर्सन, ही अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर है, लेकिन बात करने के अंदाज़ में कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ जी बस मैं ये भी कर दूंगा मैं वो भी कर दूंगा, ऐसी बात है कोई मसला नहीं है. जो भी चीज़ थी वो रियल टर्म्स के ऊपर बेस्ड थी और एक रियलिटी और एक ट्रूथफुलनेस मुझे इनकी पर्सनैलिटी में नज़र आ रही थी. चाहे कोई पॉइंट ऐसा था जो मेरे लिए डिसलाइकिंग भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे बात की कि ये है और ये नहीं है. और यहाँ से मुझे एक रिफ्लेक्शन आई, मुझे एक वाइब आई, मुझे गट फीलिंग आई कि दिस पर्सन इज़ ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट. और ये मेरे लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से आई वॉज मोर अप्रोचिंग टूवर्ड्स सेइंग यस. अच्छा जी, तो मुझे तो पॉइंट सुन के बहुत मज़ा आ रहा है जो है. प्लीज़ आप
एक और पॉइंट बताएंगे? हाँ, सेकंड थिंग जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट थी टू से यस, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस था। लाइक मैं अपने घर वालों से भी ये चीज़ डिस्कस करता था कि जब मैंने शादी करनी है तो मैंने एटलीस्ट, मुझे इस तरह का इंसान चाहिए जो कि इतना मेच्योर हो, जो अपने लाइफ डिसीजंस खुद ले सके। मैंने कोई बच्चा नहीं पालना, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। और फ्रिया में ये चीज़ मुझे इस तरह से नज़र आई कि वो अपना एटलीस्ट पार्टनर सेलेक्ट करते हुए वो इतनी कॉन्शियस थी कि मैंने क्या क्या चीज़ एक इंसान में देखनी है टू स्पेंड लाइफ विद। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, मुझे इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नज़र आया, इनमें सेल्फ सफिशियंसी थी एक, और सर्वाइव कर सकती थी खुद, और हम इकट्ठे ग्रो कर सकते थे। तो इस बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया मैं कि मैं इनको एज अ पार्टनर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो मेरे लिए जो तीसरी चीज़ थी जो मुझे बहुत एक अट्रैक्ट की थी और आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट, वो ये था कि एक एंटी नॉर्म पर्सन, जिसने नॉर्म्स को, जिसने फजूल किस्म के ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करना, वो मुझे डिस्कशन से बहुत हद तक क्लियर हो चुका था, क्योंकि इनके थॉट प्रोसेस में डाउरी, जहेज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और हमेशा से मैं एक ऐसा इंसान ढूंढ रही थी और अल्लाह ताला से मांग रही थी तहज्जुद में भी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो इनकी सोच बिल्कुल ऐसी ही थी, एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान, एक आदमी जिसको मेरे मेरे नज़दीक वो इंसान सही मायनों में ना, एक अगर जेंडर में मैं मर्द कहूँ तो वो है, ठीक है, जो कि इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। और शादी को लेके, इन सारी ट्रेडिशंस को लेके उनकी कोई से नहीं थी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग, ना सिर्फ मुझे सपोर्ट किया बल्कि उनकी अपना विजन ही ऐसा था। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत प्लस पॉइंट था और मैंने कहा कि नहीं, ये इंसान स्लोली ग्रेजुअली ही इज़ मेकिंग स्पेस इन माई हार्ट फॉर सेइंग यस। इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बहुत से कपल्स खुद ही अवेयर नहीं होते, वो ये है कि आपका जो निकाह एक एग्रीमेंट होता है उसके पेपर्स के ऊपर लड़की की कंसेंट, लड़का लड़के को भी शायद समटाइम्स नहीं पता होता ना, लेकिन लड़के को भी प्रॉपरली उसको पढ़ना चाहिए और लड़की को भी पढ़ना चाहिए, और दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से वो फिल होना चाहिए, ना कि जो मौलवी साहब हैं वो खुद क्रॉस टिक लगाएं और आपको कुछ पता ना हो कि ये क्या हो रहा है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, द राइट टू डिवोर्स, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपने शादी करते साथ ही आप घर बनाने वाले इंसान नहीं हो या आपने डिवोर्स ले लेनी है। बट इन केस जब आपको लॉ एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है कल को, तो आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अच्छा, मेरे लिए तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो सॉर्ट ऑफ वही है जो फ्रीहा का थर्ड पॉइंट है कि एंटी नॉर्म पर्सनैलिटी। तो क्योंकि मैं शादी को लेके एक बड़े ही सादा अंदाज से शादी करना चाहता था, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पार्टनर उन सारी चीज़ों पे एग्रीड हो, तभी आप सादगी से शादी कर सकते हो ना। तो जो हमारी सोसाइटी में, इंडिया पाकिस्तान में ख़ास तौर पे शायद होता है कि एक बहुत सी फजूल किस्म की रसूमात होती हैं। तो मुझे फजूल किस्म की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एज में हम अपना जो एक्सपेंस है शादी का वो किसी बहुत अच्छी जगह पे कर सकती हैं, एज़ कम्पेयर टू कि हम वो बारात मेहंदी के इवेंट्स पे करें। तो इसके लिए मुझे एक पार्टनर की तरफ से सपोर्ट चाहिए थी। जब मैंने देखा कि फ्रीहा की थिंकिंग और मेरी थिंकिंग इन दोनों चीज़ों में, इन सब चीज़ों में एक जैसी है, और मेरी पर्सनैलिटी के साथ इनकी पर्सनैलिटी अलाइन कर रही है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस था डिसाइड करने के लिए। और ये हमारे लिए कोई इतना आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं हमारे था। पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं था, हाँ हमें बहुत सी चीज़ों पे कन्विंस करना पड़ा है, बिल्कुल, कुछ चीज़ों को लेके हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ा है, लेकिन फिर भी हमने एक इनिशिएटिव लेने की स्टैंड कोशिश की है। स्टैंड लेना पड़ा है, बहुत सी चीज़ों के बहुत ऊपर सी चीज़ों के ऊपर सफ़र करना पड़ा सफ़र है। करना यस ओके। फिर जो लास्ट में चीज़ आई थी वो हम दोनों के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल थी और है, और वो है स्पिरिचुअल कनेक्शन, अल्लाह से कनेक्शन कैसा है आपके स्पाउस का। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि गॉड से कनेक्शन किस तरह का है, आपका के रिलीजियस अफेयर्स कैसे हैं। मुझे एक ऐसा इंसान नहीं चाहिए था जो कि रिलीजन से बहुत ज़्यादा गुमराह हो, एटलीस्ट वो एफर्ट कर रहा है, उसका कोई कनेक्शन है ज़िंदगी में, एंड दैट आई फाउंड इन जोहेब।
तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी और है मेरे लिए। बिल्कुल, मेरे लिए भी ये इसी तरह इक्वली इम्पोर्टेंट था कि एक इंसान अपने अल्लाह को लेके कितना सीरियस है, अपने आप को लेके कितना सीरियस है। अपने आप को लेके सीरियस होने का मतलब आप अपने दीन के बारे में कितना सीरियस हैं। तो जब तक आप अल्लाह को लेके सीरियस नहीं हो सकते, आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में आके उस तरह से सीरियस नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे है। तो मेरे लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था एस्पेक्ट एक इंसान का जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ, तो ये भी एक प्लस था कि हम दोनों किसी ना किसी हद तक अपने रिलीजन अपनी रिलीजियस ड्यूटीज पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी ही सिर्फ देखना इम्पोर्टेंट नहीं होती, या फाइनेंसेस देखना और बस, फिर बाद में हम कहते हैं कि जी रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप पहले ही सारा कुछ किस्मत पे ना छोड़ो, किस्मत वर्ड को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। और फिजिकल कंपैटिबिलिटी तो हमें स्पार्क वो पहली मीटिंग में ही नज़र आ गया था एक दूसरे के अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होती हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी समझना मेंटली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़ुहेब आप क्या मेरे साथ करेंगे पार्टिसिपेट और प्रोडक्टिव वीडियोस बनाने में? मैं सोचूंगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। और मुझे पता है मजाक कर रहे हैं और इस वक्त इनका दिल कर रहा है कि बस ये मैच देखने चले जाएं, क्योंकि ही इज़ अ मैच फैन और वर्ल्ड कप का मैच है आज, तो हम जाते हैं मैच देखने। और आप वेट करें हमारी नेक्स्ट वीडियो को और हमें कमेंट ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा, क्या पॉजिटिव चेंज आया आपकी लाइफ में। और विद दैट नोट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।